वेलकम बैक है स्टेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम एक वन ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। 10 महीने हो चुके हैं एंड वी स्टार्टेड विद अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 1 CR, जिसकी ग्रोथ अभी अप्रॉक्सीमेटली 2.8 CR तक हो चुकी है। आई एम वरुण, आई विल बी शेयरिंग माय डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइस, किस तरीके से वी वर्क अप एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल्स और किस तरीके से वी प्लान अप द ट्रेड्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के अंदर में हम लोग सबसे पहले वर्कअप देखेंगे अपना, पास्ट 10 महीने में कैसे फंक्शनिंग्स हुई हैं, क्या फॉर्मेशंस हुई, ठीक है, राइट, एंड कितना ग्रोथ जनरेशन हुआ है। उसके बाद हम लोग अपना जो स्विंग ट्रेड्स रहे हैं अभी तक, ये 8वां स्विंग ट्रेड होगा। इससे पहले माइंडट्री, टाटा पावर, अपोलो हॉस्पिटल, जील, इस तरीके से 8 काउंटर्स के अंदर में ट्रेड अप ऑलरेडी हो चुका है, 7 में हो चुका है, 8वां अभी हमारा मारुति का है, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में विल कवर अप एवरीथिंग अबाउट मारुति, कि किस तरीके से इसके अंदर में फॉर्मेशंस हो रही हैं। पहले हम डेटास को फॉर्म अप करेंगे, डेटास को चेकअप करेंगे, ठीक है। डेटास को चेकअप करने के बाद में हम इन सारे डेटास को प्लांट अप करेंगे ओवर द चार्ट्स, एंड ओवर द चार्ट्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सारे डेटा को प्लांट अप करने के बाद में कि क्या फॉर्मेशंस हमें इसके अंदर में करनी चाहिए, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, डेटास क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड इन दिस, ओके। एंड देन विल बी फॉर्मिंग अप 6 legs ट्रेड फॉर्मेशंस इन मारुति। एवरेजली हम लोग जिसमें रिटर्न टारगेट अप करेंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 8-9% का ग्रॉस रिटर्न टारगेट अप करेंगे। ऑन एवरेज जो पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रेड के लिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 38 lakhs। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। एनालिसिस में अगर हम सबसे पहले ग्रॉसिंग देखते हैं, एनालिसिस से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट 10 मंथ्स के अंदर में क्या जनरेशन रही। 10 मंथ्स के अंदर में अभी तक हमने 8 swing trades करे हैं। माइंड ट्री का ट्रेड था जिसमें ऑन एवरेज जो जनरेशन थी वी मेड अप्रॉक्सीमेटली 2.8 lakh प्रॉफिट। देन टाटा पावर के अंदर में 2.3 lakh का प्रॉफिट जनरेशन था, जील में प्रॉफिट जनरेशन थी, ठीक है। सो ऑन एवरेज अभी तक स्विंग्स के अंदर में 18 lakh का ग्रॉस जनरेशन जनरेट हो चुका है, सिर्फ उन ट्रेड्स पे जो हमने यूट्यूब के अंदर में पोस्टअप किए थे, ठीक है। एक्यूरेसी लेवल इज वेरी हाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग्स के अंदर में, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेड, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपको अपनी पोजिशन को प्रॉफिटेबली निकालना है, ठीक है, राइट। सो एडजस्टमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। हम स्टार्ट करते हैं कुछ लेग फॉर्मेशन से, 4 legs से या 6 legs से हम स्टार्ट करते हैं, इट कैन इवन गो टू 16 leg फॉर्मेशंस ड्यूरिंग द जर्नी। तो सबसे बड़ा की रोल इस स्विंग को प्रॉफिटेबली कन्वर्ट करने का होता है योर एडजस्टमेंट्स। जितना स्ट्रांगली आप एडजस्ट करोगे, ऑप्शन राइटिंग में आप आई ही इसलिए हो कि आइदर वेज मार्केट्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, यू आर गोइंग टू जनरेट द प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट। बट आपको अपना व्यू लेके चलना है, डेटास को यूज करना है अपने व्यू को बनाने के लिए, एंड एडजस्टमेंट्स प्रायरली करनी है, मतलब फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए एडजस्टमेंट्स, आपकी मूवमेंट से पहले वो एडजस्टमेंट्स हों बिकॉज ऑफ योर व्यू ऑन द पर्टिकुलर वर्ज, ठीक है। सो अभी तक अगर हम टोटल स्टैट्स देखते हैं, वी स्टार्टेड अ पोर्टफोलियो विद अराउंड 1 CR और 10 महीने हो चुके हैं। फेब इज ऑल्सो बीन क्लोज, इसके लेजर्स प्रॉब्ली हम लोग 1st of March को रिलीज करेंगे, ठीक है, राइट। एंड अभी तक जो ग्रोथ हो चुकी है, 1 CR पोर्टफोलियो हैज़ बीन ग्रोन टू अप्रॉक्सीमेटली 2.8 CR, राइट। लास्ट मंथ जो अभी हमने फेब में जनरेशन करी हैं वो हमारी 10.36% की ग्रोथ थी। अभी हमारे पास बफर है 7.52% का और वी आर टारगेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 3.13 CR टिल अप्रैल 2022, राइट। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस मारुति का। मारुति के एनालिसिस में सबसे पहले हम इसकी फ्यूचर्स को वर्कअप करेंगे, फ्यूचर्स OI को वर्कअप करेंगे, कितना इसके अंदर में स्ट्रेंथ है, कितना इसके अंदर में अभी लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा है कि शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा है, ये हम इसमें वर्कअप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी काउंटर को आपको विजुलाइज या प्रैक्टिस करना होता है तो आप उसके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं वो फ्यूचर्स में ही अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करते हैं, और जो भी फ्यूचर्स में पोजीशंस को बिल्डअप करता है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर पोजीशंस, क्योंकि कोई भी फ्यूचर्स के अंदर में पोजीशंस तब तक बिल्डअप नहीं करेगा जब तक वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है अपनी पोजीशंस को लेकर, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्टअप करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लॉन्ग बिल्डअप्स देखते हैं। बिल्डअप्स इसमें हम कौन से लेके चलते हैं, सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप्स, राइट। लॉन्ग बिल्डअप्स हम कौन से देखेंगे, लॉन्ग बिल्डअप्स हम वही देखेंगे जिसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे इस केस के अंदर में वॉल्यूम चेंज वॉज पॉजिटिव, ड्रेस्टिकली पॉजिटिव इनफैक्ट, ओके, 268% का राइस था। तो इसके हम OI को लेके चलेंगे विच इज अप्रॉक्सीमेटली 282-286, राइट। इसके बाद में शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस विद अ वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव हमारा इस सिनेरियो के अंदर में है,
राइट, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे, राइट, ओके. एंड ये शॉर्ट बिल्डअप विद नेगेटिव वॉल्यूम्स है, इसको हम लोग नहीं लेके चलेंगे. ये लॉन्ग बिल्डअप विद अ वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, दिस वी विल बी टेकिंग इनटू. सो इसका जो भी ओआई फिगर है इसको हम लोग लेके चलेंगे, राइट. दिस लॉन्ग बिल्डअप इज ऑल्सो विद अ पॉजिटिव वॉल्यूम्स, तो दिस ओआई विल वी आर गोइंग टू टेक इनटू, राइट, ओके. हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग्स और शॉर्ट कवरिंग्स इनको नहीं लेके चलना होता, सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप्स, क्योंकि यही वो पोजीशंस होती हैं जो बनी हैं, राइट. शॉर्ट कवरिंग इज नॉट अ पोजीशन जो बिल्डअप हुई है, वो तो किसी के शॉर्ट्स थे उन्होंने कवर अप किया है, ठीक है, राइट. सिमिलरली ये शॉर्ट बिल्डअप्स इसको हम लोग लेके चलेंगे, राइट. सो जो भी वॉल्यूम्स जिसमें वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है और वो शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप है, उनको हम लोग इस कैटेगरी में लेके चलते हैं कैलकुलेशंस को करने के लिए. टोटल ओवरऑल जो लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस हुई हैं 112687 की हुई हैं, और जो शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस हुई हैं वो हमारी 820004 की हुई हैं. ओवरऑल देखते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट बिल्डअप्स, तो दिस इज बुलिश इंडिकेशंस. एंड मारुति वैसे भी बुलिश ट्रेंड में है, तो दिस मेक सेंस कि फ्यूचर बिल्डअप्स जो इसके अंदर में फॉर्मेशंस हुए हैं दे आर मोर टूवर्ड द बुलिश एरियाज, ओके. तो इसका ट्रेंड अभी हम बुलिश लेके चलेंगे एज पर द ओआई डेटा, राइट. अब अगर हम इसके अंदर में ओआई तो हमने देख लिया, इसके बाद में अगर हम चेंजेस देखते हैं क्या चेंज फॉर्मेशंस इस मारुति के अंदर में हुआ है, ठीक है, तो लेट्स एनालाइज द चेंजेस, ओके. स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, विल गेट अ क्लियर आइडिया कैसे फॉर्मेशंस हुई हैं. तो अगर 25 फरवरी को देखते हैं तो स्पॉट चेंज हमारा 137 पॉइंट्स का हुआ है, और पुट माइनस कॉल का जो चेंज है वो हमारा नेगेटिव है, राइट. पहले ये नेगेटिव 71,000 था, उससे बढ़ के ये माइनस 184,900 हुआ, तो ये नेगेटिव चेंज भी बड़ा है. दिस इज वट वी कॉल एज अ ओआई चेंज ट्रेंड, मतलब ओआई चेंज के अंदर में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, अगर वो नेगेटिव डिफरेंस है तो दैट इज एडिंग टू द नेगेटिव पोजीशंस. मींस अगर पी माइनस सी 71,400 था, नाउ इट हैज रेज टू माइनस 184,900, तो वो ज़्यादा बेयरिश हो रहा है ना, और ठीक है. तो स्पॉट चेंज पॉजिटिव था बट पी माइनस सी वॉज नेगेटिव एंड ओआई चेंज भी नेगेटिव था, पीसीआर भी नेगेटिव, दिस इज एक्सट्रीमली बेयरिश फॉर्मेशंस, राइट. जब ये रीसेंट राइज आया है मारुति के अंदर में, दिस लुक्स एक्सट्रीमली बेयरिश ऑन कार्ड्स, ओके. ओवरऑल अगर हम देखते हैं फॉर द लास्ट 5 days में से 4 दिन तो हमारा बेयरिश फॉर्मेशन इसके अंदर में हुआ है मारुति के अंदर में, ठीक है. एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं लास्ट 20 सेशन का, तो बिल्डअप्स जो है हमारे वो नेगेटिव है, -48,400. तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर इज फॉर्मिंग अ बुलिश सिनेरियोस, और अगर हम चेंज ऑफ ऑप्शंस को देखते हैं तो दिस इज लाइक प्रिडिक्टिंग कि ये डाउनवर्ड्स ट्रेंड अप करेगा इन द कमिंग टाइम, ओके. तो लेट्स सी, लेट्स कलेक्ट अप द फर्दर डेटा टू गेट एन क्लियर एनालिसिस अबाउट मारुति. फर्दर डेटा में हम लोग सबसे पहले पीसीआर को लुक फॉरवर्ड करते हैं. पीसीआर के अंदर में अगर आप देखोगे तो इवेंचुअली अगर हम पीसीआर के डेटास को देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने एक हल्का सा डिप लिया, मतलब बॉटम्स ने डिप लिया है, बट उसका जो पीसीआर फॉर्मेशन है दैट हैज़ राइज्ड, ओके. तो ये होती है बुलिश डाइवर्जेंस, राइट. जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो प्राइस ने एक राइज लिया था टॉप पे, राइट, बट उस समय जो इसका पीसीआर था वो डिप किया था, राइट, ओके. तो वहां से क्या हुआ, एक बियरिश मूव आया, क्योंकि वो था एक बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है. सिमिलरली अभी हमारा एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, राइट. हमें वेट करना होगा इसके पीसीआर का हल्का सा एक स्पाइकिंग हो जाए ऊपर की डायरेक्शन में अलॉन्ग विद द प्राइस, ठीक है. अगर स्पाइकिंग हो जाए अलॉन्ग विद द प्राइस इट्स गुड, बट अगर प्राइस डिप करता है और तब भी पीसीआर स्पाइक अप कर जाता है, दैट विल फॉर्म अ वेरी शॉर्ट बेयरिश बुलिश डाइवर्जेंस, वो भी हमारे लिए एक अच्छा सिनेरियो होगा. तो एट प्रेजेंट इट हैज़ फॉर्म द बुलिश डाइवर्जेंस, हमें सिर्फ लुक फॉरवर्ड करना होगा एक थोड़ा सा स्पाइकिंग आ जाए काउंटर के अंदर में एंड पीसीआर के अंदर में एक स्पाइकिंग आ जाए, क्योंकि लास्ट 4-5 दिनों में जो हमने एनालाइज किया है पी माइनस ई वो एक बियरिश फॉर्मेशंस बना रहा है. तो वी वांट अ बुलिश फॉर्मेशंस टू फाइनली एंटर अप इनटू द बुलिश फॉर्मेशंस इनटू द काउंटर, ठीक है, राइट. अगर हम चेंज को देखते हैं ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छे डेटाज हैं स्टडी करने के लिए. देखो सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस नहीं है टिल द लेवल्स ऑफ अराउंड 8,000, ठीक है, 8,000 पे अच्छा लेवल फॉर्मेशंस है जिसमें पीसीआर भी
लाइक अच्छा है, पीसीआर के पॉइंट्स भी मतलब इट्स नियरिंग टुवर्ड्स अ 10 आके है, तो ये भी अच्छा फॉर्मेशन है। तो 8000 के लेवल पे पुट फॉर्मेशन है, उससे पहले अगर हम देखते हैं तो देर आर नो स्ट्रॉन्ग लेवल्स जो इंडिकेट कर सकें कि पुट फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और अगर 8000 के लेवल को देखते हैं तो स्पॉट से भी वो करीबन अराउंड 400 पॉइंट्स दूर है इस समय, ठीक है। तो इतना स्ट्रांग वेटेज तो इसका नहीं होता, बट स्टिल देर इज़ नो अदर लेवल फ्रॉम द पुट साइड, तो हम इसी लेवल को लेके चलेंगे फ्रॉम द पुट साइड, ओके। और अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं, कॉल साइड पे फॉर्मेशंस इस लेवल पे अच्छी है, टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड लाइक 8500, अच्छा स्ट्रांग फॉर्मेशन है इसका, ठीक है, राइट। और इसके बाद में अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो इस लेवल पे भी एक अच्छी फॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेशंस में आपको सिर्फ बिल्डअप्स नहीं देखने हैं, आपको चेंज भी देखना है। अब जैसे यहाँ पे चेंज इज पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी कॉल एडिशंस हुई हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे भी जो एडिशंस हुई हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशंस हुई हैं, ठीक है। तो जो नियर बाय लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अब इतना दूर हम लोग नहीं जाएंगे, ये लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 9000 का, ठीक है, राइट। बट इतना दूर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, राइट, क्योंकि 9000 वैसे भी एक इंटीग्रल लेवल है, ठीक है, वहाँ पे फॉर्मेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, क्योंकि होलसेल लेवल आ जाता है आपका 9000 का लेवल, 8000 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं वैसे भी। तो उन लेवल्स से ज़्यादा बढ़िया लेवल्स वो होते हैं जो बिना किसी रीजंस की वजह से, जैसे 8800 है, 8500 है, ठीक है, उन पे अगर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस हो रही हैं तो वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस या किसी ना किसी सपोर्ट को इंडिकेट करती हैं। तो हमारे लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हुए, 8000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 8500 का लेवल इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस लेवल पे, और 8800 का लेवल इंपॉर्टेंट है हमारा ऑन द रेजिस्टेंस लेवल, ऑन सपोर्ट लेवल 8000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। इसी स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बाय वॉचिंग अप कि क्या चेंजेस रहे हैं ऑप्शंस के अंदर में एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट इज इंडिकेटिंग टू अस, ओके। तो ऑप्शन चेंजेस में अगर हम देखते हैं स्लाइटली, इन चार विंडोज को हम लोग पहले स्टडी करेंगे इन अ वेरी ब्रीफ लेवल, क्योंकि यहां से हमें ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ एक इंडिकेशन लेनी है कि मार्केट में लास्ट 20 सेशंस के अंदर में ऑप्शंस के अंदर में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। ये हमारा 15 से 20वें सेशन का है डेटा, ये 10वें से 15वें सेशन का डेटा है, ये 5th to 10th सेशन का डेटा है, एंड दिस इज फॉर द लास्ट 5 सेशंस, ओके। लास्ट 5 सेशंस को थोड़ा हम ज़्यादा एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम पूरे 20 सेशंस का जो चेंज रहा है ऑप्शन का, ऑप्शन चेंज को स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय के कि हम PCR को स्टडी करें या किसी और चीज़ को स्टडी करें, ठीक है। तो वेन वी स्टडी ऑप्शन चेंज दैट इज ऑलवेज मच मोर बेटर, ओके। तो इसमें डेटास जो है हमारे 5 to 10 सेशन का, उसको हम वर्कअप करके देखते हैं। देखो, एज पर पिक्चर इट लुक्स बियरिश, और एज पर डेटा कॉल का जो चेंज था हमारा 8 लाख का था, पुट का चेंज जो था हमारा 4 लाख का, डिफरेंस जो था उनका -4 लाख का था, ठीक है, दैट लुक्स बियरिश, क्योंकि उस समय जो प्राइस का चेंज हुआ था वो 194 का चेंज हुआ था, एंड द इंडिकेशन वॉज लास्ट 5 सेशन का जो चेंज है वो दैट इज बियरिश, ओके। अगर 5 to 10 सेशन का देखते हैं हम लोग तो दैट इज ऑल्सो बियरिश, क्योंकि प्राइस चेंज वॉज नेगेटिव एंड पुट माइनस कॉल चेंज वॉज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है, राइट। मतलब OI चेंज जो है वो भी नेगेटिव था और प्राइस चेंज था वो भी नेगेटिव था, दैट इज बियरिश, ओके। 10th to 15th सेशन के अंदर में, मतलब 10वें से 15वें सेशन के अंदर में जो हमारा ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा में भी अगर हम देखते हैं तो लाइक प्राइस चेंज इस दौरान के अंदर में पॉजिटिव था, बट वही चेंज हमारा इसके अंदर में नेगेटिव था, राइट, ओके। तो दैट वाज एक्सट्रीमली बियरिश, तो यहाँ से एक्सट्रीम बियरिशनेस स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद में अगर हमने देखा कि मारुति काफ़ी गिरा भी था, राइट, 183 पॉइंट्स नेक्स्ट 5 सेशंस के अंदर में और 194 पॉइंट्स नेक्स्ट 5 सेशंस के अंदर में। तो जब एक्सट्रीमली बियरिश मूवमेंट्स आती हैं तो वहाँ से एक अच्छा ड्रॉप हो सकता है सब्सिक्वेंटली। एक नॉमिनल बियरिश मूवमेंट्स इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेट नहीं करती जितना एक्सट्रीमली बियरिश मूवमेंट्स इंडिकेट करती हैं या फिर एक्सट्रीमली बुलिश मूवमेंट्स इंडिकेट करती हैं। एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो इट लुक्स एज पर 20 डेज OI चेंज, अगर स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो 8000 के लेवल पे चेंजेस अच्छे पुट फॉरवर्ड हुए, 7500 के लेवल्स पे अच्छे पुट फॉरवर्ड हुए, बट रीसेंट 8000 के आगे कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है इन इस दौरान के अंदर में जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट फॉर्मेशंस हो रहा हो। बट अगर हम वाइस वर्सा कॉल साइड पे देखते हैं तो हमें लेवल्स दिख रहे हैं, 8500 का लेवल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 8800 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, और 9000 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग कॉल चेंजेस के साथ में हमें नज़र आ रहा है। तो बियरिश स्ट्रक्चर OI चेंज के अंदर में ज़्यादा है, जबकि
हमने देखा कि फ्यूचर्स के अंदर में बिल्डअप स्ट्रांग था पॉजिटिव डायरेक्शंस के अंदर में, ठीक है राइट। ट्रेंडिंग स्टॉक भी है ये, दिस इज बीन ट्रेंडिंग टेक्निकली, बट ऑप्शंस के अंदर में जो चेंजेस फॉर्मेशंस हुए हैं लास्ट 20 दिनों के अंदर में, ओके राइट, दिस इज बीन नेगेटिव, ओके राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड थोड़ा और डेटा कलेक्ट करते हैं बिफोर फॉर्मिंग आर ट्रेड्स। जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रांग व्यू होगा, जितना स्ट्रांग हमारे पास डेटा होगा, उतना ज़्यादा हम अच्छा व्यू ले पाएंगे। और वेन यूर राइटिंग ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका व्यू स्ट्रांग हो, आपको रेंज चाहिए, वेदर योर डायरेक्शन इज मूविंग इन योर फेवर और इट्स मूविंग अगेंस्ट, बोथ केसेज यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। बट अगर आपका रेंज का इंडिकेशन स्ट्रांग है तो यू विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट इन ऑलमोस्ट ऑल सिनेरियोस, ओके राइट। बट एडजस्टमेंट्स प्लेज 80% ऑफ द रोल। जो हम ये सारा व्यू लेके प्लांटअप करके ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे वो एक इनिशियल ट्रेड फॉर्मेशंस होगा, विच 20% उसका रोल रहता है राइट। बट 80% रोल किसका रहेगा? एडजस्टमेंट्स का। वो एडजस्टमेंट्स भी फ्यूचरिस्टिक होती हैं, तो ये जो व्यू को स्टडी करने का तरीका है वो हमें हमारी एडजस्टमेंट्स को भी लेने में हेल्प आउट करेगा, बिकॉज ऑल द टाइम वी विल बी इन टच विद आर डेटास, ओके राइट। तो दैट गिव्स अस अ एज इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ द काउंटर। वो सही हो या गलत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन द एंड हमें डेटास और प्राइस एक्शंस को कंबाइन करना है। अब अगर टेक्निकली आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो उसकी जगह प्राइस एक्शन को यूज़ करो, और इंडिकेटर्स की जगह आप डेटास को यूज़ करो, राइट। दैट विल गिव यू द एज इनटू द मार्केट्स, ओके, बिकॉज दीज ऑल आर समथिंग लीडिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बाकी जो टेक्निकल होते हैं दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स, राइट, ओके। तो बिल्डअप्स को देखते हैं। बिल्डअप्स को अगर आप देखते हो इस फॉर्मेशन के अंदर में, तो बिल्डअप्स में अगर हम देखते हैं तो देखो ये कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे आया है, ठीक है राइट। कुछ ज़्यादा भी यहाँ पे क्लब अप नहीं हुआ, ना कोई ज़्यादा बड़े लॉन्ग फॉर्मेशंस हुए, ना कोई ज़्यादा बड़े शॉर्ट फॉर्मेशंस इसके अंदर में हुए, शॉर्ट बिल्डअप्स इसके अंदर में हुए, ना ही लॉन्ग बिल्डअप्स इसके अंदर में हुए हैं, ठीक है। बट जो अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो प्राइस डिप किया था इस रीजन के अंदर में, ठीक है। वो प्राइस डिप क्यों किया था? क्योंकि आपके जो लॉन्ग पोजीशंस थे जो मारुति के अंदर में थे वो अनवाइंड हुए हैं ड्रेस्टिकली, मतलब लॉन्ग पोजीशंस कम हुई है, ठीक है। उसके बाद एक रीसेंट जो राइज हुआ है उसके अंदर में कुछ लॉन्ग पोजीशंस एड ऑन हुई हैं, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ जितना कवर अप हुआ है लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में, ठीक है राइट। तो और अभी भी अगर हम देखते हैं तो इट हैज ब्रेक इट्स जो इसका पहला वाला बॉटम था उसने इसको ब्रेक किया है, राइट। तो अभी टेक्निकली ये थोड़ा सा, ऑल दो इट इज अ ट्रेंडिंग स्टॉक, तो उसको हम कम्प्लीटली बियरिश नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं जब अपने वो लोअर पीक्स को ब्रेक करता है, जैसे इसने लोअर पॉइंट्स को ब्रेक किया एंड देन इट स्टार्ट राइजिंग अप, राइट, बिकॉज इट्स अ ट्रेंडिंग स्टॉक, ओके। तो हमें इसमें फॉर्मेशंस तो हम लोग लेके चलेंगे कम्प्लीटली, जो हमारा ट्रेड फॉर्मेशंस होंगे, जो लेग फॉर्मेशंस होंगे, बट इस डेटा को हमें यूज़ करना है। व्हाट आई वांट इज कि ये एक बार थोड़ा सा और नीचे पुट फॉरवर्ड होए, एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस फॉर्म करे टेक्निकली भी, ऑन चार्ट्स भी, ठीक है, और डेटास के साथ में भी, एंड दैट विल बी द एरिया जहाँ से हम इस काउंटर के लिए बुलिश हो जाएंगे, बिकॉज ट्रेंड इज पॉजिटिव, राइट। ट्रेंड इज पॉजिटिव ओनली, करेंटली इट इज बीइंग लिटिल नेगेटिव, वो उसको चेंज कर सकता है, आइदर दे स्टार्ट फॉर्मिंग सम लॉन्ग, गुड लॉन्ग बिल्डअप्स, और डेटास और टेक्निकल्स मैच कर जाएं एंड इट फॉर्म्स अप अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप ट्रेड्स, ठीक है। तब तक के लिए जो भी ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे दैट विल बी प्रोटेक्टिंग अस इन ऑल काइंड ऑफ सिनेरियोस, चाहे वहाँ से मारुति नीचे जाए या ऊपर जाए, इट विल बी प्रोटेक्टेड इन ऑल काइंड ऑफ सिनेरियोस, ओके। अब इसके साथ में अगर हम अपना इसको देखते हैं, अपना ओआई परसेंटाइल्स को देखते हैं, तो ओआई परसेंटाइल्स इज करेंटली प्राइस डिप डाउन कर गया है, यहाँ से नीचे प्राइस गया है, ठीक है, एंड ओआई परसेंटाइल भी नीचे मूव कर चुका है। दिस इज लाइक अभी करेंटली अगर इसका व्यू देखते हैं, इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ नॉट बुलिश, इट इज़ नॉट बियरिश, राइट। तो मैक्स पेन को अगर हम देखते हैं अलॉन्ग विद ओजीस, अलॉन्ग विद उसका चेंज, राइट, इन द लास्ट 20 सेशंस, सबसे पहले 5 सेशंस का जो इसमें चेंज हुआ है, प्राइस हैज डिप डाउन, और आपका जो मैक्स पेन भी है वो भी डिप डाउन किया है, ठीक है राइट। मैक्स पेन मैक्सिमम गया था 8600 के लेवल्स पे, उसके बाद फिर अपना इट स्टार्टेड डिपिंग डाउन 8500 के लेवल पे आया, देन नाउ करेंटली इट स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ अराउंड 8400, ओके राइट। तो मैक्स पेन अगर बुलिश हो आप तो मैक्स पेन राइज करना चाहिए, ये है थ्योरीज, राइट, ओके। अभी मैक्स पेन डिप डाउन कर रहा है तो ये पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे लिए बियरिश पॉइंट्स, कि प्राइस मैक्स पेन के ऊपर गया, डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस किया, दीज आर द बियरिश पॉइंट्स, बिकॉज मैक्स पेन इज ट्रेंडिंग डाउन। व्हाट आई विल वेट इज कि मैक्स पेन मस्ट ब्रेक दिस 8500 लेवल्स,
अपने 8500 लेवल्स को ब्रेकअप करे, ट्रेंड अप हो जाए इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, एंड देन प्राइस अपने मैक्सिमम लेवल्स के नीचे आए एंड वी फॉर्म अप अ ट्रेड जिसके अंदर में एक बुलिश ट्रेड फॉर्मेशंस होंगी। इससे पहले भी ट्रेड फॉर्मेशंस होंगी बट दैट विल बी गिविंग अस अ एज जब ऐसा होगा एंड वी विल बी मोर बुलिश, सो वी विल बी ट्रांसफरिंग आवर पोजीशंस फ्रॉम द बियरिश और द न्यूट्रल पोजीशनिंग्स टू टुवर्ड्स द लेवल ऑफ बुलिश पोजीशनिंग्स। ठीक है, उससे पहले वी कैन बी लिटिल बियरिश इनटू द काउंटर्स क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन है, ओके, बट वी विल नॉट बी हैवीली बियरिश क्योंकि इट्स अ ट्रेंडिंग स्टॉक, ओके, राइट। सो यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो चुका है बुलिश के लिए, बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब तक कि मैक्स पेन ऊपर मूव करना स्टार्ट नहीं करता वी विल नेवर बी कम्प्लीटली बुलिश इन टू द काउंटर्स, ओके, राइट। एट प्रेजेंट जो हमारे लेवल्स हैं मैक्स पेन के वो 8400 के लेवल्स पे है, और अगर हम OG के साथ में इसको कंपेयर करते हैं लास्ट 20 सेशंस के अंदर में क्या फॉर्मेशन हुई हैं, तो ये करीबन इट इज़ बीन बुलिश फ्रॉम लास्ट 3 सेशंस, ओके, जिसमें अगर स्टडी अप करते हैं तो स्पॉट नेगेटिव हुआ है, ठीक है, राइट, स्पॉट नेगेटिव हुआ है, OG चेंज भी नेगेटिव है और मैक्स पेन चेंज भी नेगेटिव है, ठीक है, दिस इज बियरिश, दिस इज नॉट बुलिश, दिस इज बियरिश, ये बियरिश फॉर्मेशन है इसके अंदर में, इट इज नॉट बुलिश, ओके, राइट। इसी तरीके से अगर हम स्पॉट चेंज यहाँ पे नेगेटिव देखते हैं और मैक्स पेन इज जीरो, OG चेंज इज जीरो, नाउ दिस इज समथिंग, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश। क्यों? क्योंकि अगर मैक्स पेन कॉन्स्टेंट रहा, ठीक है, OG चेंज भी कॉन्स्टेंट रहा जीरो, बट स्पॉट चेंज हमारा नेगेटिव रहा, तो वट एग्जैक्टली इज दैट? दैट इज ऑब्वियसली बुलिश, ठीक है, क्योंकि आपका प्राइस तो नीचे गया है बट मैक्स पेन और OG चेंज कॉन्स्टेंट रहा है तो ऑब्वियसली बुलिश होगा, ठीक है, राइट, इनफैक्ट वो एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है, राइट। यहाँ पे मैक्स पेन कॉन्स्टेंट रहा, OG चेंज कॉन्स्टेंट रहा बट प्राइस ऊपर गया, तो एक्चुअली में ये एक्सट्रीमली बियरिश हो जाता है, ठीक है, राइट। तो ये सिनेरियोस जो हैं ये पुट फॉरवर्ड करते हैं कि सबसे पहले आपको देखना है मैक्स पेन को, वेदर इट इज़ राइजिंग और इट इज़ डिक्लाइनिंग और इट इज़ कॉन्स्टेंट। अगर वो राइजिंग है तो हर सिनेरियो में एवरीथिंग इज़ बुलिश, ओके, राइट। अगर वो राइजिंग है बट प्राइस इज़ डिक्लाइनिंग तो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बुलिश। अगर न्यूट्रल है प्राइस इज़ डिक्लाइनिंग दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बुलिश, अगर न्यूट्रल है प्राइस इज़ राइजिंग दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बियरिश, ओके, राइट। और सिमिलरली अगर मैक्स पेन राइजिंग है, ठीक है, जैसे इस सिनेरियो में लेके चलते हैं मैक्स पेन इज राइजिंग, ओके, OG चेंज इज राइजिंग बट आपका प्राइस क्या है, प्राइस इज डिप डाउन, ओके, दिस बिकम्स इन दिस सिनेरियो दिस बिकम्स एक्सट्रीमली बुलिश, ओके, राइट। तो ये चेंजेस को आपको देखना जरूरी होता है, ठीक है, एंड एट प्रेजेंट मैक्स पेन इज डिप डाउन, प्राइस इज डिप डाउन, तो दिस इज स्लाइटली बियरिश एट प्रेजेंट। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चरिंग्स को देखते हैं, सपोर्ट इज स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ अराउंड 8000, रेजिस्टेंस स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ अराउंड 8900, ओके, राइट, एंड जो हमारी बाय रेंज है दैट इज 8200 टू एनीवेयर बिटवीन 8400, ओके, सेल रेंज इज 8400 टू एनीवेयर बिटवीन 8650, एंड हमारा OG एंड मैक्स पेन लेवल्स दे हैव बीन फॉर्मिंग अप द एरियाज एट अराउंड 8400, तो अब स्पॉट जो है मैक्स पेन के ऑलमोस्ट पास ही चल रहा है समय, ठीक है, राइट। फर्दर स्टडीज को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स, PCR वर्सेस प्राइस एंड परसेंटेज बेसिस चेंज, राइट, ओके। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग सबसे स्ट्रांग इस लेवल पे है, उसके बाद हमारा इस लेवल पे, उसके बाद हमारा इस लेवल पे, अभी इट इज लाइक दीज ऑल लेवल्स विल बी एक्टिंग अप एज अ सपोर्ट राइट नाउ, ओके, राइट। सो VP रेजिस्टेंस जो हमारे हैं ये इन लेवल्स पे, बट अभी इट्स इन मटेरियल क्योंकि ये लेवल्स काफ़ी दूर हो जाते हैं कंपेरेटिव टू द इनिशियल प्राइजिंग्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने भी लेवल पे पास में है, कितने भी लेवल पे दूर में है, VP प्रोफाइलिंग पे इसमें ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं PCR बुलिश डाइवर्जेंस, ओके, राइट, एंड अगर परसेंटेज बेसिस को देखते हैं तो इट हैज़ बीन स्टार्टेड बीइंग नेगेटिव, ये नेगेटिव होनी स्टार्ट हो गई है, विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ अ बियरिश साइन, तो ये दिस इज बियरिश, ओके, राइट। सो अभी मिक्स्ड है, कुछ डेटाज दे आर बुलिश, कुछ डेटाज दे आर अ बियरिश, तो जब ऐसा मिक्स सिनेरियोज होता है तो यू फॉर्म अप अ न्यूट्रल पोजिशंस, ओके, एंड उसके बाद में जब भी जो साइड बियरिश है जब वो बुलिश हो जाएगी या ये जो साइड बुलिश है वो बियरिश हो जाएगी तो यू विल बी एक्सट्रीमली मेकिंग अप द पोजिशंस इन द न्यू डायरेक्शंस, ओके, राइट। IVs को देखते हैं तो दे आर स्टैंडिंग वेरी गुड, IVPs दे आर स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ 79.12 एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, तो इट इज गुड टाइम फॉर सेलिंग अप द ऑप्शंस, ओके, एंड नाउ लेट्स गो टू द टेक्निकल्स। टेक्निकल्स पे जाने से पहले हम लोग अपने
जो हमारी एक बहुत स्ट्रांग फीचर होता है प्राइस का, पीसीआर के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस या ओआई चेंज के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस, उस पर हम वर्कअप कर लेते हैं एंड देन विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द टेक्निकलिटीज ऑफ मारुति. ओके, रिसेंटली हमने क्या देखा कि प्राइस में डिप आया. ओके, राइट, बट उस दौरान के अंदर में पीसीआर राइज था, तो ये हमारा एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. ओके, बट अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्राइस हैज राइज्ड बट पीसीआर हैज डिप्ड एज वेल एज ओआई हैज डिप्ड. ओके, तो ये स्लाइटली बियरिश है. तो व्हाट आई विल लुक फॉरवर्ड इज कि जो हमारा लॉन्ग टर्म स्पैन था विच वाज बुलिश, जो शॉर्ट टर्म स्पैन भी है वो भी हमारे लिए बुलिश हो, तो पीसीआर मस्ट राइज अप. प्राइस अगर डाउन आ जाता है उस समय दैट इज वे गुड, क्योंकि तब हमारी एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी एंड ओआई मस्ट राइज अप. ओके, सो प्राइस मस्ट राइज अप, OI must rise up and PCR must rise up. और अगर वो dip down कर रहे हैं उसके अंदर में, नीचे ही आ रहे हैं उसके अंदर में, ठीक है, तो at least PCR must rise up to form of the bullish divergence अगर हमें bullish होना. At present, long span is bullish, short span is bearish. इसको हम डेटाज को लेके चलते हैं on charts, so we'll get a clear idea कि exactly हो क्या रहा है and what exactly we are going to form up. Okay, right. So let's move towards the charts of Maruti. And यहाँ पे हम इसको टेक्निकली कंबाइन करेंगे. सबसे पहला टाइम फ्रेम जो हम देखने वाले हैं वो डे फ्रेम होगा, उसके बाद उसको हम कंपाइल करेंगे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के साथ में. विल गेट अ शॉर्ट आइडिया कि प्राइस एक्शन के साथ में डेटा जब हम कंपाइल करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर गिविंग इनटू. ओके, राइट, सो पहले इसको हम डेटा को डेली फ्रेम पे देखते हैं. ट्रेंड इज पॉजिटिव, क्लियर है, कुछ इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है. शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज स्टार्टिंग टू गेटिंग नेगेटिव, लाइक ये नेगेटिव फॉर्मेशंस में आ रहा है. शॉर्ट टर्म ट्रेंड, नॉट द बिग टर्म ट्रेंड, ठीक है, राइट, क्योंकि बिग ट्रेंड जो हमारा है वो हमारा हमें दिख रहा है कि इट इज़ पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो वो अभी स्लाइटली इस फॉर्मेशंस को लेता हुआ एक नेगेटिव फॉर्मेशंस फॉर्म कर रहा है, ठीक है. इसने दो लोअर हाईस अपने बनाए हैं और नेगेटिव फॉर्मेशंस कर रहा है. इस जगह को हमने देखा, इस जगह पे हमारा एक पीसीआर के साथ में बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ था. तो व्हाट आई वांट इज कि प्राइस या तो यहाँ से ऊपर जाए, पीसीआर भी ऊपर चला जाए, ठीक है, राइट, एंड इट फॉर्म्स अप और इट गोज डाउन, इट फॉर्म्स अ बुलिश डाइवर्जेंस एंड देन राइज अप, ठीक है, राइट. तो ये फॉर्मेशंस का हम लोग अभी इसके अंदर में फॉर बीइंग बुलिश वेट अप करेंगे. अगर बियरिश फॉर्मेशंस इसने कंटिन्यू करनी है, अभी एक न्यूट्रल स्टैंस बनाएंगे. अगर बियरिश फॉर्मेशंस इसने करनी है तो इट विल गो टुवर्ड्स द सेलिंग एरियाज और पीसीआर डाउन मूव करेगा या ओआईस जो है वो डाउन मूव करेंगे. वी कैन ऑलवेज शॉर्ट अप एट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, राइट, सो ये डे फ्रेम के अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म इज ऑब्वियसली बुलिश बट शॉर्ट टर्म हैज स्टार्टेड बिकमिंग बियरिश, ठीक है, राइट. अगर इन पॉइंट्स पे, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स भी तो हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वर बुलिश एंड शॉर्ट टर्म वर बियरिश, तो इन पॉइंट्स पे ये एक अपवर्ड डायरेक्शन का मूव लेना स्टार्ट करेगा इन सिनेरियोस के अंदर में एंड देन वी विल बी मोर बुलिश इनटू द काउंटर, ठीक है. बट ये जो स्पेस है इस चीज को आप अभी यहाँ पे सेल ऑफ नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो राइज करता है और वापस अपनी सेल जोन के अंदर में आता है, ठीक है, या वो ड्रॉप करता है, मतलब ऐसे ड्रॉप कर जाए और वापस अपनी इन जोन्स के ऊपर में सेलिंग फॉर्मेशंस के लिए आ जाए. तो दिस विल बी द टू सिनेरियोस व्हिच यू कैन टेक इनटू. ओके, राइट, इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, विल गेट अ मच बेटर आइडिया कि कैसे फॉर्मेशंस को यूज़ किया जा सकता है. तो देखो, शॉर्टर फॉर्मेशन में अगर आप इसको देखते हो तो थोड़ा सा आपको इट लुक्स बियरिश. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म इट इज़ लुकिंग बियरिश. ओके, बट अब ये बाय जोन के अंदर में है. इट इज़ मूव डाउन, इट इज़ कम अप टू द मैक्स पेन रीजन, वहाँ से वो डिप डाउन कर सकता है फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. अगर वो डिप डाउन, इस डिप के दौरान में इट फॉर्म्स अप अ बुलिश डाइवर्जेंस इन फॉर्म ऑफ पीसीआर, इन फॉर्म ऑफ टेक्निकल्स, तो वो वहाँ से दोबारा राइज कर सकता है एंड ये फॉर्मेशंस के साथ में ऊपर जा सकता है, राइट, ठीक है. तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल बी लुकिंग इन टू फॉर मेकिंग अप कम्प्लीटली बाइंग पोजिशंस. ओके, अगर ये अभी सेल स्टैंड के अंदर में, जैसे शॉर्ट टर्म दिख रहा है, सेल स्टैंड के अंदर में रहता है, तो फर्स्ट इट कैन कम डाउन, फॉर्म अप अ बुलिश डाइवर्जेंस. ओके, राइट, एंड फॉर्म अप दीज एरियाज टू मेक अप द बाइंग पोजीशंस. ओके, राइट, ओके, सो अभी के लिए लाइक विल फॉर्म अप अ स्टैंड जो कि लिटिल बिट बियरिश होगा. इट विल बी न्यूट्रल टू बियरिश. ओके, लेटर ऑन वी विल बी शिफ्टिंग टू द बुलिश एरियाज, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है.
सो लेट्स प्लान अप अ ट्रेड, एंड ये ट्रेड फॉर्मेशन हम लोग करेंगे मंडे को बाय अराउंड 11 AM तक हमारा ये ट्रेड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड विल बी टेकिंग अप द ट्रेड्स. ओके, इनिशियल लेग्स 4 to 6 के बीच में लाई अप करेंगे इसके अंदर में. वो लेग्स कितनी भी फॉर्म हो सकती हैं आगे, इनिशियल लेग फॉर्मेशन हमारी 4 to 6 होंगी, ठीक है. एंड इस ट्रेड से हम लोग अराउंड 8 to 9% का ग्रोथ जनरेट करेंगे इन अ कमिंग स्पैन ऑफ अराउंड 9 to 10 days. ये हमारा ट्रैक भी रहा है, ये हमारा फंक्शनिंग भी रहा है. जितने स्विंग्स अभी तक आए हैं, वी हैव मेड प्रॉफिट आउट ऑफ ईच एंड एवरी स्विंग्स. क्योंकि स्विंग्स का जो ऑप्शन राइटिंग के साथ में, एक तो ऑप्शन राइटिंग होती है, यू गेट एक्स अमाउंट ऑफ डेज जहाँ पे आपको थीटा डीके मिलेगा, ठीक है. यू हैव एक्स अमाउंट ऑफ लेग्स जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. एक अगर कुछ पुट साइड में लेग फॉर्मेशन है, कुछ हमारी कॉल साइड में होंगी. एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफ द डेटा टू एनालाइज ताकि हम अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकें, राइट टाइम पे अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकें. इन कम्बिनेशन के साथ में यू आर ऑलवेज गोइंग टू मेक रेवेन्यूज आउट ऑफ द मार्केट. सो अब हमारे लिए एक्यूरेसीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए प्रॉफिट और विन रेट ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है. अभी तक हम क्या करते थे, हम एक्यूरेसीज पे फोकस करते थे, उस पर फोकस नहीं करना, ठीक है. आपका फोकस रहना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज पे, दूसरा फोकस रहना चाहिए आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज पे. वो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज कैसे इंक्रीज होती हैं, बाय एनहेंसिंग योर एडजस्टमेंट्स यू विल बी इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, राइट. सो लेट्स मूव. एंड जब ट्रेड लेने से पहले अपने रीजन के अंदर में वॉलंटियर एक्ट कर लेना. अभी तक हम लोग 7.3 लाख फैमिलीज को टच कर चुके हैं, उनको फीड्स पहुंचा चुके हैं, बड़े लेवल्स पे एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है. दिस इज ऑल बीन डन थ्रू योर साइड. वॉलंटियर एक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इफ़ यू गिव फीडिंग्स टू द नीडी पीपल इट्स ओके, इट कम्स इन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. अगर आप स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो टू द चिल्ड्रंस, नीडी चिल्ड्रंस, फ्री में फ्री एजुकेशन, वट एवर स्किल्स यू हैव यू आर टीचिंग टू द नीडी चिल्ड्रंस, दैट ऑल्सो कम्स इन टू द वॉलंटियर एक्ट. ओके, एंड अगर आप किसी भी फैमिली के हेड को, जो भी नीडी फैमिलीज है उनमें जो भी उस फैमिली को रन करता है, उसे आप कोई स्किल सिखाते हो, राइट, एनी स्किल, यू गिव हिम द ट्रेनिंग्स, यू गिव हिम द एम्प्लॉयमेंट, या आप उसको सिर्फ स्किल ही सिखा रहे हो ताकि वो आगे एम्प्लॉयमेंट ले सके, दैट ऑल्सो कम्स इन टू द वॉलंटियर एक्ट. तो वॉलंटियर एक्ट में तीन चीज़ों को हम लोग पकड़ रहे हैं टू मेक द कंट्री पावरफुल, मोर पावरफुल. ओके, सबसे पहली चीज यू आर लुकिंग इन टू कि जो जहाँ पे फीड्स पहुँचनी चाहिए वहाँ पे फीड्स पहुँचे. ओके, राइट, जहाँ पे एजुकेशन पहुँचनी चाहिए वहाँ पे एजुकेशन पहुँचे, और जहाँ पे स्किल्ड वर्क पहुँचना चाहिए वहाँ पे स्किल्ड वर्क पहुँचे. If you do all these things, that's all. You just connect back with me and I will surely guide you up into the tradings. And ye trade formations hum log Monday ko 11 baje tak le lenge. Connect up on WhatsApp. Link will be there in the descriptions. Okay. Usse pehle apna ye volunteer act kar lena. That's all. Okay. So take care. Peace out.